जय हिंद साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे UPSI फाइनल कट ऑफ 2022 के बारे में। तो साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि इस टाइम पर आपकी रनिंग चल रही है सेकंड फेज वालों की, लेकिन रनिंग के साथ बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है कि आखिर फाइनल कट ऑफ कितनी जाएगी। ये इसलिए सोचना पड़ रहा है क्योंकि साथियों, आप सभी को पता है पोस्ट है 9534 और उसके लिए जो स्टूडेंट जो रनिंग के लिए बुलाए गए हैं वो हैं कितने, 36172। ठीक है साथियों, और पोस्ट है 9534, सिलेक्शन इतने का होना है और रनिंग के लिए इतने स्टूडेंट हैं, तो डाउट तो होना जायज है। ठीक है साथियों, तो साथियों इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे आप सभी ये देख सकते हैं रिटन कट ऑफ लिखा हुआ है, और हम बताएंगे फाइनल कट ऑफ कितने मार्क बढ़ सकता है। ठीक है साथियों, दोस्तों आपको पता है 9534 पोस्ट है टोटल, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनल कट ऑफ क्या होगा, फाइनल मार्क्स कितने बढ़ेंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है, आप देख सकते हैं आपके सामने डेटा दिया हुआ है 36172 स्टूडेंट हैं जो रनिंग के लिए DVPST रनिंग के लिए हैं, और सेकेंड फेज की रनिंग इस टाइम पर चल रही है। ठीक है, फर्स्ट फेज की रनिंग हो चुकी है और 9534 पोस्ट हैं, काफ़ी एक मतलब तीन गुना लगभग स्टूडेंट हैं, 9536 चार गुना स्टूडेंट हैं, तो इसके कारण बहुत डाउट बना हुआ क्योंकि पोस्ट कम हैं और स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। अब रनिंग में भी बहुत कम निकलेंगे, DVPST में भी बहुत कम निकलेंगे स्टूडेंट, तो इतना कितना स्कोर बनेगा। तो दोस्तों, और अगला पॉइंट होगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट। जैसे आप सभी साथियों को पता होगा, दो राउंड में आपका DVPST हुआ और दो फेज में आपका रनिंग हुआ है, तो पहले लिस्ट कौन से लगी, किसका सिलेक्शन पहले होगा, फर्स्ट फेज वालों का या सेकेंड फेज वालों का, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर एक कौन सी स्कोर कार्ड है, स्कोर कार्ड दिया है, इसका क्या मतलब है? तो साथियों आपसे पता है, आपको पता है कि आप जैसे बहुत से स्टूडेंट रनिंग भी कर रहे हैं, ठीक है, सेकेंड फेज में, और बहुत से स्टूडेंट कर भी चुके हैं जिनका नाम रिटन एग्जाम में पास हुए थे, ठीक है, लेकिन उसके साथ आपको पता है लखनऊ में इको गार्डन में, क्या इको गार्डन में इस समय प्रोटेस्ट चल रहा है, उस प्रोटेस्ट में एक मांग ये भी है स्कोर कार्ड जारी करो, क्या स्कोर कार्ड जारी करो, जिससे एग्जैक्ट क्लियर हो सके आखिर कितना नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा हुआ, कितना क्या कट ऑफ हुआ, कितना क्या आपको आरक्षण मिला, रिजर्वेशन मिला, ये सारी बातें आपको स्कोर कार्ड जारी करे। अगर गवर्नमेंट ये आयोग स्कोर कार्ड जारी करता है तो आपको एग्जैक्ट क्लियर ज़्यादातर सभी स्टूडेंट, क्योंकि आपको भी मांग करनी है, क्योंकि साथियों बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे, आप जैसे होंगे क्या हैं, क्यों, क्योंकि 9534 पोस्ट हैं, स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं, लेकिन रनिंग में बहुत ज़्यादा रनिंग पास करना है स्टूडेंट, मैं अभी आपको डेटा बताऊंगा। तो साथियों इसके लिए अगर आपका स्कोर कार्ड आ जाता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि साथियों आपको पता है 9534 पोस्ट में बेर बेर फोर्स इसलिए कर रहा हूँ बार बार, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें 9534 का ही सिलेक्शन होना है। अगर आपने लेखपाल का या कोई और भी गवर्नमेंट या ग्रुप डी का या फिर आप NTPC में फॉर्म डाला हुआ है तो आपको उसकी भी साथ में तैयारी करते रहना चाहिए, ये नहीं आपको 100% इस पे ही मतलब अटक जाना है। क्यों इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ साथियों बहुत बढ़ने वाली है, मैं अभी आपको बताऊंगा डिटेल से। ठीक है साथियों, तो आपको तैयारी करते भी रहना है साथ में, जिससे मेंटेनेंस बने रहे, स्टडी का शेड्यूल ना टूटे। ठीक है साथियों, और रनिंग कर भी करते रहे आप, तो रनिंग तो सेकेंड फेज वालों की चल रही इस समय। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम डेटा के साथ बात करेंगे। ठीक है साथियों, डेटा के साथ बात करेंगे, क्या डेटा के साथ बात करेंगे, देखो कितनी पोस्ट स्टूडेंट बुलाएंगे हैं, 36,000
172 स्टूडेंट्स बुलाए गए हैं रनिंग के लिए, ठीक है साथियों। अब उसमें से डीवी पीएसटी में लगभग कितने निकल जाएंगे, डीवी की बात करें तो हम एवरेज की बात लेते हैं, क्योंकि देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो स्टूडेंट पहले से ही जिसको 100% क्लियर होता है, अब जैसे स्कैम भी हो वो भी डॉक्यूमेंट तो पहले से रेडी कर चुके होंगे, लेकिन वो अभी तक, आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, 78 स्टूडेंट्स पकड़े जा चुके हैं जिन्होंने 15-20 लाख रुपए खर्च करके एग्जाम पास किया है यूपीएसआई का, ठीक है साथियों। अब बचे, मान लिया, मैं मान लेता हूँ कि डीवी में लगभग ये 672 स्टूडेंट, ऑलमोस्ट 672 स्टूडेंट मान लिया कि इसमें आउट हो जाते हैं, ठीक है, ये बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है, किसी ना किसी इशू से। हम बहुत कम ले रहे हैं डेटा, ठीक है साथियों, लेकिन इससे ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर इतना जाएगा, क्योंकि जिनको अपनी तैयारी पे भरोसा होता है वो स्टूडेंट पहले से सारे डॉक्यूमेंट उनके क्लियर होते हैं, ठीक है साथियों, तो इसमें ज़्यादा नहीं जाएंगे। अब जाएंगे सबसे ज़्यादा आउट बच्चे कहाँ पर होंगे मैं आपको बताऊँगा, फिर बचते कितने हैं अपने पास बच्चे, जब हम 36,172 में से 672 निकाल देंगे तो हमारे पास बच जाएंगे, कितने बच जाएंगे, 35,500, ठीक है, 35,500 बच्चे बच जाते हैं। अब ये रनिंग भी करेंगे, रनिंग करेंगे, ठीक है साथियों, रनिंग करेंगे तो रन जब करेंगे तो इसमें से कितने, अब बताएं रनिंग का क्या स्कोर है, कितने परसेंटेज स्टूडेंट पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं। तो साथियों हमने कई जगह के वीडियो भी बनाए हैं आपके, और आप मेरे यूट्यूब चैनल से वीडियोज भी देख सकते हैं कि साथियों रनिंग में बहुत स्टूडेंट पास हो रहे, क्यों पास हो रहे उसका भी मैं आपको बताऊँगा कितने। मान लिया अगर कोई एक बैच में अगर एक राउंड की बात करें, एक दो राउंड में अगर 100 बच्चे दौड़ते हैं तो उसमें लगभग 80 प्लस स्टूडेंट पास हो जाते हैं, क्या 80 प्लस स्टूडेंट पास हो जाते हैं। अगर गर्ल्स की बात करें, ये बॉयज़ की मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो गर्ल्स भी ऐसा ही, अगर वो 50 गर्ल्स दौड़ती हैं तो उसमें से लगभग 38 प्लस पास हो जाती है, 38 प्लस पास होती हैं, क्योंकि मतलब रनिंग बहुत स्कोर। अगर मैं एवरेज की बात करूँ तो मैं एवरेज लेता हूँ अगर मैं 75% का, कितना, तो अपने पास ये कितने हैं स्टूडेंट जो पास आउट हुए डीवी से, 35,500। अगर मैं मान लेता हूँ 75% एवरेज ले लेता हूँ कि 75% स्टूडेंट जो रनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है, मतलब 25% स्टूडेंट, मान लिया अगर 100 स्टूडेंट दौड़ते हैं, 100 स्टूडेंट दौड़ते हैं तो उसमें से 25 नहीं निकाल पाते हैं तो 75 निकाल लेते हैं, ये रनिंग निकाल लेते हैं, ठीक है साथियों। तो 35,500 का 75% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, फिर बचा क्या अपने पास, 355 गुड़े 75, ठीक है, ये इतना डेटा 355/75। अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये डेटा आ जाता है 26,625 ऑलमोस्ट आएगा, ऑलमोस्ट नहीं 100% इतना ही आएगा, 26,625। और हमारे पास पोस्ट, ये स्टूडेंट वो होंगे, ये स्टूडेंट वो हैं जो रनिंग पास हैं, क्या, ये स्टूडेंट वो हैं जो रनिंग पास हैं, ठीक है साथियों, और रनिंग पास हैं, ये स्टूडेंट रनिंग पास हैं, ये कितने हैं, 26,625। अब हमारे पास पोस्ट कितनी है, पोस्ट साथियों कितनी पोस्ट हैं हमारे पास, ओनली 9,534, 9,534 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है साथियों। जब 9,534 पोस्ट हैं, अब इसमें से माइनस कर देते, 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है साथियों। फिर अब यहाँ 2 है तो कैरी लिया, 12 में से 3 जाएंगे, 9 और 5, 5, 0, फिर 16 हो जाएगा, 16 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 16 में से 9 जाएगा, 7 बचेगा, फिर 1 बचेगा, 17,091, कितने, 17,091 स्टूडेंट, ये ज़्यादा हैं, क्यों,
क्यों ज़्यादा हैं, इतने स्टूडेंट पोस्ट तो अपने पास कितनी हैं, 9534 ही, लेकिन ये 17,091 स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब ये स्टूडेंट अब कहाँ जाएंगे, ऐड कहाँ होंगे, ये स्कोर कार्ड ही बढ़ाएंगे, ये कट ऑफ ही बढ़ाएंगे। तो कट ऑफ एवरेज की बात करें तो कितना बढ़ सकता है, ये भी आपको पता होना चाहिए तभी के लिए। अब ये कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 17,091 अपने पास कितने स्टूडेंट, 17,091 स्टूडेंट ये ज़्यादा हैं, और पोस्ट टोटल हैं अपने पास 9,534। ठीक है, जब 9,534 पोस्ट हैं, 17,091 ज़्यादा हैं, तो मतलब ये कट ऑफ बढ़ेगा और मार्क्स भी बढ़ेंगे, तभी तो कट ऑफ बढ़ेगा। अब कितना एवरेज बढ़ सकते हैं नंबर, अब आपको जैसे अब यहाँ देख लेते हैं रिटेन कट ऑफ कितना गया। रिटेन कट ऑफ जनरल का साथियों गया है 302। मैंने यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने राउंड फिगर लिया हुआ है, पॉइंट्स को हटा दिया है। ठीक है, हालांकि पॉइंट्स भी बहुत ज़रूरी थे एक दो पॉइंट्स की वजह से, जैसे अभी आपको पता होगा यूपी ट्रिपलएससी पेट का जो रिजल्ट आया है उसकी पॉइंट्स की वजह से स्टूडेंट्स बाहर हो रहे हैं। ठीक है साथियों, तो हम यहाँ पर राउंड फिगर लिए हैं, तो जनरल में और यहाँ फिर EWS OBC SC ST फीमेल। तो अगर हम एवरेज की बात करें तो अगर आपके 15 से 17 मार्क और बढ़ने चाहिए, कितने 15 से 17 मार्क एवरेज की मैं बात कर रहा हूं, तो अगर 302 में मैं ऐड करूं 15 तो कितना हो जाएगा 317। अगर 285 में 15 में ऐड करता हूं कितना हो जाएगा 300। अगर 287 में 15 ऐड करता हूँ तो हो जाएगा 302। अगर 15 275 हो जाएगा 260 में, फिर ST में 15 ऐड करें तो 200 हो जाएगा 38। ठीक है, फिर फीमेल की 278 है, अगर इसमें मैं 15 ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 293। तो मतलब 15 से 17 मार्क और आपका स्कोर बढ़ेगा, ये 100% बढ़ेगा। इतना क्यों बढ़ेगा, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि 17 अब मेडिकल इतना क्यों बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आपको पता है रनिंग के बाद आपका मेडिकल के लिए, मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट निकलते हैं, मेडिकल में जैसे हाइड्रोसिल हो गया, प्राइवेट पार्ट्स की चेकिंग हो गई, उसमें बहुत कम रेयर केस निकलते हैं। बाकी जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट, एक दो स्टूडेंट उसमें निकल, मतलब मेडिकल में बहुत कम स्टूडेंट निकलते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब जैसे कलर वाला होता है, आँखों से चेकअप होते हैं 6.6 वाला, 6.56 वाला, उसमें अगर एक दो रेयर केस में निकल जाते हैं, कलर पहचानने में मुश्किल होता, बहुत कम होता है। इसीलिए साथियों लगभग 17,000 स्टूडेंट होंगे जो मतलब पोस्ट से ज़्यादा हैं। जब पोस्ट से इतने स्टूडेंट एवरेज ज़्यादा होंगे तो आपका स्कोर बढ़ेगा, कट ऑफ आपका 100% बढ़ेगा। और 15 से, जैसे आप सभी को पता है UPSI का हो गया, इस बार पेट का कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ ले लो, जितना ये मतलब सभी सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ही निकलता है। तो साथियों इतना स्कोर कम से कम मानिएगा, 15 से 17 मार्क तो बढ़ेगा ही। ठीक है साथियों, तो साथियों ये इतने मार्क अगर आपको स्कोर बने, और मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चैनल पे नए हैं और आप इसको स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, क्या स्क्रीनशॉट करके रख लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट मैं आपको देता हूँ और आप चेक करना मेरा डेटा कितना सही निकलता है। देखो 2-4 नंबर तो इधर से उधर हो सकता है क्योंकि एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ मैं, लेकिन डेटा इतना ही है, क्योंकि रनिंग साथियों जो है वो भी बहुत अच्छे निकल रहे, रनिंग मैंने बताया 80% एवरेज स्टूडेंट निकाल रहे, एवरेज की बात कर रहा हूँ मैं। तो साथियों इसके कारण कट ऑफ हाई जाएगा और ज़्यादातर स्टूडेंट जो निकलेंगे वो कट ऑफ की वजह ही से निकले, मेन कारण होगा कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ की वजह से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा आउट होंगे, मेडिकल में भी कम हुए हैं और DVPST में भी, DV में भी कम हुए हैं स्टूडेंट, मेडिकल में कम होंगे 100% श्योर है, सबसे ज़्यादा कट ऑफ की वजह से स्टूडेंट आउट होंगे। ठीक है साथियों, तो साथियों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे नोटिफिकेशन ऑल कर लेना, जिससे दूसरे वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है साथियों, तो साथियों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो।